आयोटा क्लासेस। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आयोटा क्लासेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 करने वाले हैं आर से अग्रवाल एक्सरसाइज 1F क्लास 9 का। तो देख लो उसमें क्या बोल रहा है डियर स्टूडेंट्स कि, और इससे पहले के सारे क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। अगर आपने नहीं देखा है या नहीं करा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएँ, जहाँ के आपको नंबर सिस्टम क्लास 9 के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा। वहाँ पर आपको हर एक एक्सरसाइज का, हर एक क्वेश्चन का वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो देखो डियर स्टूडेंट्स में क्या बोल रहा है कि 3 - √5 / 3 + √5 दिया है मुझे p का वैल्यू, एंड q का वही वैल्यू में दिया हुआ है कि 3 + √5 / 3 - √5। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ p स्क्वायर एंड q स्क्वायर। तो हमें p स्क्वायर एंड q स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो देखिए मुझे निकालना है वैल्यू किसका, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो p का जो वैल्यू है मैं यहाँ डाल देता हूँ। तो p का जो वैल्यू दिया हुआ है मुझे वो दिया है 3 - √5 / 3 + √5। तो ये हो गया हमारा पी का वैल्यू। पी स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, बट हम लोग क्या कर रहे हैं पी को पहले रेशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर को मुझे रेशनलाइज करना पड़ेगा। तो ये देखो ये डिनोमिनेटर को मैंने रेशनलाइज कर दिया। पहला सबसे पहला काम तो ये कर दिया कि पी लिखने के बाद पी को का जो डिनोमिनेटर है उसको रेशनलाइज कर दिया। अब पी स्क्वायर बोला गया है तो पी स्क्वायर कर देते, प्लस है तो प्लस डाल दिया। क्यू स्क्वायर बोला गया तो क्यू स्क्वायर में से वही काम करेंगे कि 3 + जो q का वैल्यू हमें दिया है √5 / 3 - √5 ये लिख दिया। देन इसको भी हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे पहला काम। तो चलो 3 - √5 से, यानी कि +√5 से नीचे, एंड 3 + √5 से ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, और इस पूरे का होल का स्क्वायर होगा तो ये स्क्वायर डाल दिया। चलिए तो ये हो गया हमारा पी स्क्वायर का वैल्यू, ये हो गया के स्क्वायर का वैल्यू। इसको सॉल्व करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे एक काम करते हैं, देखो ऊपर तो हमारा ये हो जाएगा कि 3 - √5 × 3 - √5, यानी कि 3 - √5 का होल का स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर a + b × a - b, यानी कि a² - b² यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 9, एंड -√5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 5 का होल का स्क्वायर है, तो होल का स्क्वायर डाल दिया। प्लस है तो फिर प्लस डाल देंगे। सेम काम यहाँ करेंगे कि 3 + √5 का होल का स्क्वायर हो जाएगा, एंड देन a² - b² होगा हमारा, है ना, यानी कि 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा, √5 का स्क्वायर हो जाएगा 5, तो इस पूरे का होल का स्क्वायर हो जाएगा, ये होल का स्क्वायर डाल दिया। देन उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा कि a - b का होल का स्क्वायर, इसको तोड़ लेंगे फॉर्मूले में, ठीक है। तो a - b का होल का स्क्वायर यानी कि √3, इसको दुखो तोड़ते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3 का स्क्वायर 9 + √5 का स्क्वायर 5 - 2 × a b, तो 2 × 3 = 6, 6√5 ये आ गया। बाय में क्या हो जाएगा हमारा, 9 में से 5 जाएगा तो 4 हो गया। इस पूरे का स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, प्लस है तो प्लस डाल दिया। सेम काम यहाँ करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 + √5 का स्क्वायर 5 + 2 × a b, यानी कि 2 × 3 यानी कि 6, 6√5 बाय 9 में से 5 जाएगा तो 4 इस होल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए इसको फर्दर और सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो अब यहाँ देखो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा कि 9 + 5 यानी कि ये हो जाएगा हमारा 9 और +5 तो 14, तो ये हो गया हमारा 14। देन माइनस, ओके यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 6√5, तो -6√5 तो 6√5 का होल का स्क्वायर है, बाय 4 है तो बाय 4 का होल का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब चाहो डियर स्टूडेंट्स तो अब यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हो, 2 नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 ले लूँगा कॉमन, तो उससे क्या होगा हमें स्क्वायरिंग करने में ज़्यादा झमेला नहीं आएगा। तो यहाँ भी हमारा क्या हो जाएगा कि 9 + 5 यानी कि 14, तो +14 एंड +6√5/4 का होल का स्क्वायर। अब एक काम करते हैं हम लोग, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए हम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन आएगा तो 2 कॉमन ले लिया मैंने। तो जब ये 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा हमारा क्या कि 7, और यहाँ हो जाएगा हमारा -3√5, तो 3√5, ठीक है। चलिए यहाँ से कॉमन लिया हम लोगों ने ना, बाय में 4 है तो 4 लिख दिया,
और इस पूरे का होल का स्क्वायर है तो होल का स्क्वायर डाल दिया। ठीक है, अब देखो तो यही काम यहाँ भी करते हैं, टू कॉमन ले लेते हैं। तो जब टू कॉमन ले लेंगे हम लोग तो यहाँ बचेगा सेवन, सेवन और प्लस सिक्स रूट फाइव का वैल्यू हो जाएगा हमारा, यानी जब कॉमन लेंगे टू तो थ्री रूट फाइव हो जाएगा, थ्री रूट फाइव अपॉन हो जाएगा हमारा फोर। ठीक है, इस पूरे का होल का स्क्वायर। अब देखो इस टू से फोर काटेंगे तो ये नीचे हो जाएगा टू, सेम काम यहाँ हो जाएगा, टू से जब फोर को कट करेंगे तो नीचे हो जाएगा टू। चलिए अब इसको हम लोग तोड़ते हैं फॉर्मूले में, तो यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्मूले में तोड़ के, यानी कि a माइनस बी का होल का स्क्वायर, तो सेवन का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49, तो ये हो गया हमारा 49 माइनस है थ्री रूट फाइव, तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव होता है, और फाइव इंटू थ्री यानी कि नाइन। देखो थ्री रूट फाइव इंटू थ्री रूट फाइव, तो रूट फाइव इंटू रूट फाइव फाइव हो गया, और थ्री थ्री जै नाइन, नाइन फाइव जै 45, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि प्लस 45 हो जाएगा हमारा, प्लस 45 माइनस टू इंटू ए भी आएगा तो माइनस टू इंटू ए, टू टू इंटू सेवन यानी कि 14, 14 थ्री जा 42, तो 42 रूट फाइव हो जाएगा हमारा। चलिए ये आ गया, बाय में क्या है हमारा टू, टू का स्क्वायर है ना, तो टू का स्क्वायर क्या हो जाएगा फोर, तो बाय में आ गया फोर, क्योंकि देखो ये स्क्वायरिंग तो हमारा इसका भी हुआ और ये स्क्वायरिंग इसका भी होगा, तो टू का स्क्वायर हमारा फोर हो गया, तो फिर वापस से ये फोर आ गया है ना। चलिए प्लस है तो प्लस दे देंगे, सेम काम हम लोग यहाँ भी करेंगे, तो इसको जो तोड़ेंगे तो हम लोग का सेम यही चीज़ आएगा हमारा, फिर से रिपीट होगा 49 प्लस 45 ओके माइनस 42 रूट फाइव, यही चीज़ रिपीट होगा, अपॉन में फिर फोर आ जाएगा, तो फोर आ गया, यहाँ बस प्लस हो जाएगा है ना, क्योंकि यहाँ पर प्लस है फॉर्मूले में, तो बस यहाँ पर प्लस आएगा, सेम चीज़ रिपीट होगा, बस खाली यहाँ प्लस आएगा साइन हमारा। अब क्या करेंगे, अब दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा फोर, तो 49 और प्लस 45 इसको अगर अपन जोड़ते हैं तो 45 प्लस 45 होता है 90, और 90 प्लस 4 यानी कि 94, ये हमारा 94 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 94 माइनस 42 रूट फाइव, सेम काम यहाँ हो जाएगा कि प्लस 94 माइनस यहाँ प्लस में हो जाएगा प्लस 42 रूट फाइव, तो ये 40 रूट टू फाइव जो है ये माइनस में है और ये प्लस में, ये तो कैंसिल हो गया हमारा। अब 94 प्लस 94 इन दोनों को हम अपन क्या करेंगे ऐड कर लेंगे और 4 से फिर डिवाइड कर देंगे, तो चलिए तो दोनों को ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा 94 प्लस 94 88, इट्स 188 अपॉन 4 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 4। ठीक है, अब इसको कट करेंगे अगर 4 से तो कितना आ जाएगा हमारा, तो 4 वन जा 4 एंड 4 4 जा 16 एंड 2 यहाँ आ जाएगा 28, 4 7 जा 28, इट्स 4 7 जा 28 मीन्स दैट आर आंसर इज व्हाट 47, दिस इज आर आंसर, 47 इज द राइट आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग अब जो है अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 22 के साथ, तब तक के लिए बाबा अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें, जय हिंद जय भारत।